नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग और साथ में खेले गए मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स के बीच के बारे में, जिसमें माही ने जमकर मारा, माही ने खूब मारा और इस मैच को ऐसा लग रहा था जो कि अगर माही रहेंगे तो ये मैच भी जीत जाएंगे, लेकिन रन जो था बहुत ज़्यादा था। अगर वहाँ पर कुछ रन कम रहता तो इस मुकाबले में माही मार देता। जिस प्रकार माही मार रहे थे, जिस प्रकार माही खेल रहे थे, आपको बता दें इस मुकाबले में 16वें ओवर में यानी कि 16 गेंदों में 37 रनों ठोकने के बाद बल्लेबाजी पर दिग्गजों ने, बीसीसीआई ने भी बड़ी मांग कर दी। सुनकर के सब कोई हैरान है। आपको बता दें जो कि इतने सालों बाद भी माही उसी प्रकार मार रहे हैं जिस प्रकार वो करियर का शुरुआत किए थे, और इसी ग्राउंड पर जो पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी खेले थे वो कमाल के खेले थे 2005 में, और इतनी ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने के लिए मिला। नाम मत लीजिए, माही है तो मारेंगे और माही है तो मुमकिन है। और इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ये बता दिया जो कि अभी भी मैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता, मुझे अभी कोई ज्यादा कमी की बात नहीं है। तो आपको बता दे जो कि देखिए इस पर गुस्से में क्या क्या बोले सचिन तेंदुलकर का बयान आया, धोनी को भारत से भी खिलाओ बीसीसीआई वरना माही मार मार के इस मैच को खत्म कर देगा। उसके बाद शोएब अख्तर कह रहे हैं धोनी अगर इस साल वर्ल्ड कप खेल लेता है तो भारत को जीतना हमें तो तय लग रहा है जिस प्रकार माही मार रहा है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ है ही नहीं होने वाला दोस्तों। जितना ज्यादा आज के दिनों माही मारे हैं, जितना ज्यादा आज के दिनों माही खेले हैं, और मैन ऑफ द मैच जो स्ट्राइकेट मैन ऑफ द मैच बनते वही इसको मिला महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि 200 के ऊपर स्ट्राइकेट के साथ इस मुकाबले में जो बल्लेबाजी की है। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।